नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और इस सेशन को डेली आप फॉलो करते होंगे। साथी आपका पेट 2022 का और सभी प्रशिक्षु से यही कहना चाहते हैं कि सारे भैया बहनी जितने भी भैया बहन हैं अभी तक अगर फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो फिल कर दें भाई, ठीक है ना, फिल कर दीजिए फॉर्म को। और यह पेट जो होगा साथी यह हर साल कराया जाएगा इनके द्वारा, जिस प्रकार से यूपीटेट सीटेट होता है और इसके आधार पर वैकेंसीज निकाली जाएंगी। तो यह हमारा हिस्ट्री का अभी हम क्लास चला रहे हैं साथी, और ज्योग्राफी वाला पोर्शन हम आपका बना के रखे हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोगों को कहीं भी भटकना नहीं है। सारे मतलब कि अगर देखा जाए तो जीके जीएस में जितनी चीज़ें हैं वह और प्लस हिंदी का पूरा पूर्ण सिलेबस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यूपी टेट या सीटेट वाले सेक्शन में आकर आप वहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल बेसिक से, या फिर टेस्ट सीरीज भी करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज। और पेट का जो अगले साल हमने एग्जाम दिया था, पिछले साल जो हमने एग्जाम दिया था 2021 वाला, जिसमें हमारा 81 प्लस नंबर आए थे, यानी कि 98% प्लस परसेंटाइल बना था हमारा। तो अगर उतना ही नंबर लाना है बच्चों, उससे ज़्यादा ही नंबर आपको लाना पड़ेगा, मतलब इस साल तो कंपटीशन बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था तो कम बच्चे थे। अब इस बार बच्चों आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी है और इस बार हो सकता है 70 प्लस आपका मेरिट जाए या फिर 70 जाए। और इस बार तो 64 ही गया था पिछली बार वाला जो आया था 2021 वाला, और जब इस बार होगा थोड़े से बच्चे जागरूक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करना चाहेंगे। और इसको मान के रखिए 10,000 तो वैकेंसी इसमें हर साल अब देगी राज्य सरकार, तो आपको देना ही देना है, इसको क्वालिफाई करना ही करना है अगर चाहते हैं एक साल के अंदर जॉब ले लें तो बच्चा, एक से डेढ़ साल के अंदर। तो यह रहा आज हम पढ़ने वाले हैं आपके हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता, ज्योग्राफी का पोर्शन हम बना के रखे हुए हैं। अगर आप लोग की संख्या बढ़ती है तो पैरेलली हम चला देंगे, नहीं तो फिर जैसे हिस्ट्री खत्म होगा, हिस्ट्री बिल्कुल खत्म होने वाला, 4 से 5 वीडियो और आएंगे, इसके बाद हम ज्योग्राफी ही स्टार्ट करने वाले हैं। घबराने की बिल्कुल चिंता आप मत करिए, बस पढ़ते चलिए इम्तिहान से। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। कुछ बच्चे कह रहे थे सर सुनाई नहीं दे रहा है, तो आज हमने बैटरी भी चेंज किया और माइक को हाथ में लेके पढ़ा रहे हैं, इसी वजह से कि आप लोग को सुनाई दे, क्योंकि थोड़े से फ़ैन हम चला लेते हैं ना तो रूम में शायद आवाज़ ऐसा, क्योंकि पैक नहीं है इतनी ज़्यादा, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है इसमें, कुछ जो साउंड के लिए लगाया जाता है यूट्यूब की तरफ से वह लगा लिया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी आप लोग को मेहनत भी करना पड़ेगा, हमारी मेहनत को देखकर इसको शेयर करना पड़ेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथी। देखिए वैदिक सभ्यता के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो वैदिक सभ्यता दो रूप में हमको देखने को मिलती है, दो प्रकार की वैदिक पीरियड हमको देखने को मिलते हैं। वैदिक सभ्यता मतलब कि वैदिक एक धर्म ही कह लीजिए साथी, एक पीरियड था जो कि आर्य समाज द्वारा लाया गया था, आर्य समाज ही इसके एक तरह से कहिए उत्पन्न करता थे, है ना। तो सारी चीज़ हम समझते हैं। देखिए वैदिक पीरियड में हम दो टॉपिक लेकर चलेंगे, एक तो आज खत्म करेंगे एक तो कल, यानी कि आज जो पढ़ने वाले ऋग वैदिक काल। बच्चों जो वैदिक सभ्यता है दो भागों में बटी हुई थी, एक को हम जानते थे ऋग वैदिक सभ्यता थी बच्चों, यह आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। कब से कब तक था तो बता देंगे, 1500 ईसा पूर्व से लेकर यह बच्चों था आपका 1000 ईसा पूर्व तक। कब तक था? 1000 ईसा पूर्व तक था, यानी काफ़ी ज़्यादा लंबा पीरियड तो नहीं कहेंगे लेकिन 500 सालों का पूरा डिफरेंस था। इसके बाद बच्चों एक और पीरियड इसमें आता है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहता है। इसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल बच्चों, इसको कल पढ़ा जाएगा हम लोग, उत्तर वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। बच्चों दो प्रकार के आपके पीरियड थे, एक तो था ऋग वैदिक काल और एक है बच्चों उत्तर वैदिक पीरियड, यानी कि 1000 से 600 ईसा पूर्व। बच्चों हम बताते हैं जो आपके आर्य जो सर्वप्रथम आए थे वह पंजाब और अफगानिस्तान में बसिंदे थे, मतलब कहा जाता है बहुत सारे, जैसे मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया है जो इनका निवास स्थान था ये एशिया को माना जाता है, बहुत सारे लोग अलग अलग अपना मत देते हैं, लेकिन आर्य जो सर्वप्रथम पंजाब में हमारे इंट्रोड्यूस हुए थे बच्चों अफगानिस्तान के रास्ते से आए थे, आपको पता होना चाहिए। मैक्स मुलर का अगर माना जाए तो इनका कहना होता है, सारी चीज़ें लिखते चलिए आप अपने कापी पे अपने नोट्स पर बच्चों, मैक्स मुलर का कहना होता है कि आर्य जो थे बच्चों मूल निवास जो आर्यों का था वह हमारा मध्य एशिया था, मध्य एशिया यानी कि आप समझ सकते हैं चाइना वगैरह वाला पूरा पोर्शन आ जाता है इसमें, भारत भी आ जाता है, भारत नहीं मतलब जो अफगानिस्तान कजाकिस्तान तजाकिस्तान जितने तान वाले हैं हमारे मध्य एशिया में आ जाते हैं, तो ये इनका मूल निवास स्थान था। ये किसके द्वारा कहा गया था? मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया था। अब आर्यों द्वारा जो निर्मित कहा जाता है, आर्य जो सबसे पहले जो निर्मित किए थे बच्चों, जो निर्मित सभ्यता था आर्य द्वारा उसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यानी कि आप इतना याद रखेंगे जो आर्य थे बच्चों मध्य एशिया से आए थे और इनका जो इनके द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी बच्चों वह हमारी वैदिक सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता थी बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं वैदिक पीरियड,
यह बनाया गया था बच्चों, एक तरह से निवास किया गया था इसका, इस पीरियड का निर्माण किया गया था, बसाया गया था इस पीरियड को किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा बच्चों। वही आर्य जो हमारे मूल, मतलब कि मूल क्या कह लीजिए, मध्य एशिया से आए हुए थे। इतनी बात आप याद रखेंगे अभी और इसको लिख लेंगे बच्चों। यह एक द्राविड़ सभ्यता थी। अगर आपसे पूछा जाता है जैसे कि सिंधु सभ्यता, चीन की सभ्यता, जैसे बच्चों मिस्र की सभ्यता, उसी प्रकार से वैदिक सभ्यता भी था, वैदिक पीरियड था। इसमें दो बराबर भागों में बटा था, मतलब दो भागों में बटा हुआ था। इसको हम कहते थे ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता के नाम से जाना जाता था बच्चों, इसको याद रखेंगे। पूछा जाता है आर्यों की भाषा क्या थी, तो बच्चों बता देंगे आर्यों की जो भाषा थी, हमने बताया था आपको जो बौद्ध धर्म में जो भाषा थी वो पाली थी, लेकिन वही जैन धर्म में जो भाषा थी बच्चों वो प्राकृतिक भाषा थी। उसी सेम प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है वैदिक सभ्यता में कौन सी भाषा थी, तो आप बताएंगे संस्कृत थी बच्चों। याद रखना क्योंकि इसमें पंडित काफ़ी ज़्यादा बच्चों थे इसमें, मतलब कि पूजा पाठ करने का यह बहुत ज़्यादा प्रचलन था इसमें। संस्कृत भाषा इसमें बोली जाती थी बच्चों, संस्कृत भाषा थी। और आर्य शब्द भाषा के समूह को हम क्या कहते थे बच्चों, मतलब आर्य जो शब्द थे पूरा का पूरा, जो आर्य शब्द था बच्चों ये भाषा के समूह को इंगित करता था। आर्य शब्द ही अपने आप में भाषा के समूह को इंगित करता था। इसके बाद बच्चों आप लिखेंगे जो आर्य की प्रशासनिक इकाई थी बच्चों, आरोही क्रम में उसे 5 भागों में बांटा गया था। आरोही क्रम मतलब कि आप समझ सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में, किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में बच्चों। आरोही आरोही अवरोही, अवरोही मतलब बढ़ता होता है, आरोही मतलब घटता हुआ क्रम होता है, शायद ऐसे ही होता है बच्चों, देख लेना सबसे राष्ट्रां बच्चों बढ़ता हुआ क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे छोटा सबसे पहले। मतलब जो आर्य का प्रशासनिक सेवा था, जैसे हमारे यहाँ आज देखेंगे पहले राज्य बच्चों, पहले पूरा भारत है, भारत के अंदर राज्य है, फिर जिला है, फिर गांव है, उसी प्रकार से आर्य के अंदर भी इकाई के रूप में गांवों को बांटा गया था। 5 इकाई थी बच्चों। कौन कौन सा सबसे छोटा इकाई था याद रखिए, कुल, जिसे कुल कहते थे। आप कुछ किस कुल में बिलोंग करते हैं, किस कुल के हो आप, जैसे आज धर्म होता है, धर्म होता है, फिर धर्म के बाद बच्चों एक समाज बनता है, समाज के बाद गाँव बनता है, गाँव के बाद जैसे ऊपर चलते हैं तो जिला स्तर पर आते हैं, नगर पंचायत स्तर पर आते हैं, उसके बाद जिला स्तर पर आते हैं, इसके बाद बच्चों आप चले जाते हैं सीधे राज्य स्तर पर, राज्य स्तर के बाद सीधे आप केंद्र स्तर पर आते हैं, इस प्रकार से चलते हैं। इसी प्रकार से सेम इसमें भी था कुल सबसे छोटा, फिर उसके बाद ग्राम था बच्चों, ग्राम इसके बाद था सबसे छोटा, यह था कुल, इसके बाद था ग्राम, कुल मिलकर ग्राम बनाते थे, बहुत सारे कुल मिलकर एक ग्राम बनाते थे। इसके बाद विश था बच्चों, विश याद रखेंगे, विश बनता था। इसके बाद बच्चों एक और था जन, फिर उसके बाद राष्ट्र था, जन बनता था, फिर उसके बाद राष्ट्र बनता था बच्चों, यह चीज़ें याद रखेंगे। यह हमारा टाइम पीरियड, मतलब यह हमारे आर्य समाज के एक तरह से समाज को जाना जाता था, मतलब आर्य के प्रशासनिक जो इकाई थी उसको इस क्रम में हम लोग जानते थे। ग्राम के जो मुखिया होते थे बच्चों, ग्रामीणी विश का प्रधान हुआ करता था, जिसे विश्वपति कहते थे। जो ग्राम का मुखिया होता था बच्चों उसे ग्रामीणी विश का प्रधान कहा जाता था, ग्रामीणी विश का प्रधान यानी विश्वपति कहा जाता था, विश्वपति इसी के नाम से बन जाता है बच्चों, विश्वपति, इसको आप लिख लीजिए कॉपी पे, लिखते चलिए, विश्वपति किसे कहा जाता है, तो बता देंगे जो हमारे ग्राम के मुखिया होते थे उन्हें विश्वपति के नाम से जाना जाता था, ग्रामीणी विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था बच्चों। और जन की जो शासक हुआ करते थे बच्चों उसे राजन कहते थे, जन के जो शासक हुआ करते थे, क्योंकि एक तरह से समाज बच्चों छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, कुल था, ग्राम था, विश्व था, जन था, जन के जो प्रशासक हुआ करते थे बच्चों इसे हम क्या कहा करते थे, राजन कहा करते थे बच्चों। जन में राज जोड़ दीजिए तो राजन बन जाता था, हे राजन, ऐसे आपने सुना होगा। इसी प्रकार से जो राजा महाराजा थे बच्चों वह जन ही थे, जन के ही शासक थे, जन से बनते थे राजन। इतनी बातें आप याद रखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इतनी बातें आपको याद ही याद रखना है किसी भी सूरत में। बच्चों आगे चलते हैं, जो राज्य अधिकारी थे बच्चे, जो राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी हुआ करते थे वह प्रमुख होते थे इस वैदिक सभ्यता में। जो राज्य अधिकारियों में बच्चों पुरोहित होते थे, पुरोहित कहते थे ना, पुरोहित बहुत ज़्यादा माने जाने लोग पुरोहित कहलाते थे बच्चों। पुरोहित मतलब कि समझ रहे हो, आज आप हैं जो आप आज के आपके पुरोहित का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे भैया बहुत ही अच्छे सभ्यता के थे हमारे पुरोहित, जो थे पूर्वज, जो थे पूर्वज से पुरोहित बनाए बच्चों, सेनानी प्रमुख हुआ करते थे, है ना, पुरोहित जो हुआ करते थे बच्चों सेनानी प्रमुख हुआ करते थे, इस तरह से कह लीजिए। राज अधिकारी में जो पुरोहित एवं सेनानी जो थे बच्चों वो प्रमुख होते थे बच्चों। अगर कहा जाए वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे, मतलब कहा जाता है इनको बिल्कुल उदार, विश्वामित्र जैसे उदार हमारे पुरोहित थे। इसके बाद बच्चों आगे आ जाते हैं तो आप कहेंगे इसमें रत्न मतलब अधिकारीगढ़ थे, अधिकारीगढ़ को कई नाम से जाना जाता था, जैसे सूत रथकार व कम्मादि नामक अधिकारी होते थे। कितने बच्चों? 3 प्रकार के, याद रखेंगे, सूत होते थे, रथकार होते थे और कम्मादि। सूत लिख लीजिए, सूत, रथकार
और कम्मादि। बच्चों ये सारी चीज़ें आप पढ़िए, क्योंकि आपको हर जगह एक सीरीज पूछी जाती है। बच्चों आइए, एक जगह पर एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यही सारी चीज़ें आपको पेड़ में दी जाती हैं, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो अच्छा अच्छे से पढ़ लो। सूत हो गया, रत्कार हो गया, कम्मादि हो गया। बच्चों यह नाम के, इस नाम के अधिकारी होते थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्न से बना है रत्नी, रत्नी र आधा त और न, न पे बड़ी की मानता, रत्नी होता था। बच्चा इनकी जो संख्या होती थी राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। जो हमारे रत्नियों की संख्या होती थी बच्चों, यह राजा को लेकर 12 संख्या होती थी। जैसे आपने पढ़ा है अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान, अष्ट दिग्गज जो पढ़ते थे बच्चों आप लोग, जो हमारा कह लीजिए कि जो इसके बाद बच्चों कौन से एक राजा हुआ करते थे जिसमें तेनालीरामा होता था बच्चों, उसके उसी के शासन में कौन से एक राजा थे बच्चों? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव के राय के समय बच्चों अष्ट दिग्गज होते थे, और अष्ट जो प्रधान होते थे आप बताइए कहाँ पे होते थे बच्चों? अष्ट प्रधान हमारे किस राजा के यहाँ होते थे बच्चों? महाराष्ट्र के। हम आपको इंडिकेट कर देते हैं, वह महाराष्ट्र का एक जाति है बच्चों। जात का मतलब कुल, कुल समझिएगा, जात नहीं होती थी। जात का नाम हमेशा कुल से लिया करते हैं। जैसे कि वैदिक सभ्यता में दो पीरियड है, आप अभी पढ़ रहे हो ना ऋग वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल बच्चों वह जन्म से ही जात बन जाता था। जैसे आप, यह नहीं है कि आप को एक तरह से आप मतलब कि मुस्लिम के घर पैदा हुए तो मुस्लिम धर्म कहलाओगे ना बच्चों, ऐसा नहीं होता था। आप जैसे कि आपके यहाँ मान लीजिए काम हो रहा है लोहार का, तो आप लोहार ही कहलाते थे। जिसके यहाँ बनियागिरी हो रही है, बर्तन का दुकान है, उसको ठठेरा लोग कहते थे बच्चों। इस प्रकार से मतलब किसी भी जाति को पहचानने के लिए उसके कुल से नहीं देखा जाता था, ना ही उसके धर्म से देखा जाता था। धर्म से जोड़ के नहीं बच्चों, उसका व्यवसाय आधार था। यानी कि जो कहा जाए, अगर जो हमारा जाति प्रथा थी वैदिक पीरियड में किस आधार पर था, तो बताएंगे व्यवसायिक आधार पर था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में बच्चों यही बदल जाता है धीरे धीरे। जो हमारे पुरोहित होते थे, पंडित पुजारी होते थे, सारे सब चुट्टे होते थे सब, उन्हीं की वजह से बच्चों, उन्हीं की देन है कि आज लड़ाई होती है। अगर वो ना आए होते कि यह नहीं करते जजमान पूजा करा लो, जजमान ये ले लो, जजमान आप पंडित हो, जजमान आप छत्री हो, जजमान आप वैश्य हो, इस तरह की बातें अगर न होती ना बच्चों, तो आज शायद हमारा समाज बहुत ही उच्च होता। धर्म के आधार पर बांट सकते थे, लेकिन अगर कहा जाए धर्म भी विकार है बच्चों, अगर कहा जाए तो। लेकिन खैर इन सब बातों पर ले जाना वह अलग दिशा हो जाती है, छोड़िए। आप यहाँ पे सूत, रत्कार व कस्यादि नामक अधिकारी होते थे बच्चों, रत्नी जिसे कहा जाता था। इस रत्न में बच्चों राजा सहित 12 लोग होते थे। उन 12 को अलग अलग नाम से जाना जाता था। कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं, जैसे पुरूप, पुरूप बच्चों, पुरूप हम इसको लिखते हैं, इसको इरेज करके। 12 को अलग अलग नाम से जाना जाता था, इसको आप नोट कर लिए होंगे। काल भी याद रखेंगे बच्चों, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था, ऋग वैदिक काल कब से कब तक था, यह भी चीज़ें याद रखेंगे आप, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है भाई? ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई? बताओ, ठीक है, आगे चलें, बताना। देखिए बच्चों, राजा सहित जो होते थे, राजा को लेकर रत्नी जो होते थे बच्चों 12 होते थे। उन 12 में कुछ मुख्य हैं, जैसे पूरप, पूरप जो होते थे बच्चों, इन्हें क्या कहा जाता था आपसे पूछ लेगा, पूरप, पूरप वैदिक सभ्यता में किस नाम से या फिर किस वर्ग के लिए जाने जाते थे बच्चों? पूरप दुर्गपति होते थे। जो उसमें दुर्ग बना होता था, बड़ी बड़ी इमारतें होती थी, उसके दुर्गपति मतलब उसके रखवाले बच्चों होते थे। एक होता था स्पष्ट, स्पष्ट जो होता था बच्चों जनता की गतिविधियों को देखने वाला, है ना, गुप्तचर होता था। कौन? जनता की गतिविधियों को देखने वाले को किस नाम से जाने जाते थे बच्चों वैदिक सभ्यता में? तो बताएंगे स्पष्ट। किस नाम से? स्पष्ट नाम से जानते थे। इस चीज़ को याद रखना बच्चों, पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। या ऐसे ही प्रश्न अगर आप कर देते हो तो आप दूसरों से अलग हो जाते हो और आपका सिलेक्शन तय हो जाता है, क्योंकि ये सब हार्ड प्रश्नों में आते हैं। वाजपति बच्चों, वाजपति जो होते थे गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। जो गोचर भूमियाँ होती थी उसके अधिकारी होते थे वाजपति। तो वाजपति भी उस रत्नों में से थे। वाजपति जो वाजपति थे बच्चों, या गोचर भूमियों के अधिकारी होते थे। गोचर मतलब कि आप समझ रहे हैं, छुपे छुपाए हुए, है ना, तो उसके ये अधिकारी हुआ करते थे बच्चों। एक उग्र थे बच्चों, उग्र नाम से ही पता चल रहा है। उग्र मतलब कि ऐसे अधिकारी बच्चों जो कह लीजिए कि जो अपराधियों को पकड़ने के लिए होते थे। उग्र, उग्र मतलब जो अपराधी होते थे उनको पकड़ने के लिए जो अधिकारीगढ़ चयन किए जाते थे उन्हें हम उग्र कहते थे बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों एक नोट डाल के आप लिखिएगा आगे, इतना बहुत है, 12 हमको नहीं पढ़ना है, बस 4-5 आप लिख लीजिए। क्या? पुरूप, स्पष्ट, वाजपति, इसके बाद बच्चों उग्र पढ़ लीजिए। अब 4-5 पूछा जाता है बहुत बार, नोट डाल के लिखिएगा, थोड़ा नोट डालिएगा। हमारी आवाज़ अगर साफ सुनाई दे रही तो इसको शेयर जरूर करेंगे बच्चों आप लोग। देखिए नोट, नोट डाल के लिखेंगे बच्चों। ऋग वैदिक में किसी तरह का न्यायिक अधिकारी का उल्लेख था ही नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यायिक अधिकारी को किस नाम से जानते थे, तो बच्चों आप उसमें गलत उत्तर मत करना, उसमें एक ननाबदीज भी रहेगा ऑप्शन में, तो ननाबदीज आप लोग लगाएंगे। यानी कि जो हमारा उत्तर वैदिक, सॉरी
कोई भी उत्तर वैदिक नहीं बच्चों, वैदिक सभ्यता में ही चाहे ऋग्वैदिक पीरियड हो चाहे उत्तर वैदिक पीरियड हो, इसमें न्यायिक सभ्यता जुड़ा ही नहीं था। न्यायिक आधार पर किसी को चयन नहीं किया गया था कि न्याय, क्योंकि उस समय बच्चों कली अपराध बहुत कम हुआ करते थे, तो न्याय अधिकारी जो थे वह नहीं उल्लेखित किए गए थे, है ना। अब तो अब अपराध बढ़ गए ना बच्चों, तो सारी चीज़ें आप सुनते चलिए। देखिए, सभा एवं समिति राजा के दो सलाह देने वाली बच्चों संस्था थी, सभा और समिति, याद रखना सभा और समिति। बच्चों पूछा जाता है राजा की दो सलाह देने वाली समिति को किस नाम से जानते थे बच्चों, मतलब कि सलाह देने वाली जो उनका बच्चों संस्था था उनको किस नाम से जानते हैं, तो बताएंगे सभा और समिति। सभा और समिति के नाम से जाना जाता था बच्चों, दो उनकी संस्थाएं थी जो उनको सलाह देती थी। जो सभा था बच्चों वो बताता था श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, श्रेष्ठ जो होते थे, जो संभ्रांति लोग होते थे बच्चों, उसकी संस्था को हम सभा कहते थे, इतनी बात को आप याद रखना। लेकिन जबकि जो समिति थी बच्चों या सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी, जो समिति थी या सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व के लिए बनाया गया था, और जो सभा था बच्चों ये श्रेष्ठ, जैसे कि हमारे यहाँ मान लीजिए हमसे बड़े कोई टीचर आ गए और हमारे यहाँ एक और लोग आ गए जो कि जनता गण आ गए, मतलब कि हमारे प्रशिक्षु आ गए, तो प्रशिक्षु को थोड़े से हम ऐसे नज़र से देखेंगे, मतलब कि देखेंगे हाँ भाई इनकी प्रतिनिधित्व जो कर रही है ये समिति करेगी, एक समिति है, बहुत रेयर केस हुआ तो हम मिलेंगे। लेकिन जब शिक्षक गण आएंगे तो हमें जाना जरूरी होगा, क्योंकि वहाँ पे वो हमसे बड़े होंगे, उनके साथ बैठना होगा, मतलब श्रेष्ठ में आ जाएंगे। इस प्रकार की समिति थी बच्चों, सभा और समिति। जो सभा होता था वो श्रेष्ठ लोगों के लिए था, और जो समिति होती थी वो जनता की प्रतिनिधित्व करती थी बच्चों, याद रखेंगे। जो इसके अध्यक्ष होते थे बच्चों उनको क्या कहा जाता था, इनके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, है ना। इनके अध्यक्ष को किस नाम से जानता था, ईशान कहा जाता था बच्चों। स्त्रियां सभा एवं समिति के अंदर भाग ले सकती थी, ये भी बातें याद रखेंगे बच्चों, स्त्री भी सभा और समिति में भाग लेती थी, इस बात को भी आप याद रखेंगे बच्चों। जैसे कि आगे आएगा उसको बताते हैं बच्चों, आगे अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, पहले इतनी बातें लिख लीजिएगा। स्त्री भी इसमें भाग लेती थी, आपसे पूछा जाएगा सभा और समिति में स्त्रियों का हिस्सा होता था या नहीं होता था, इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, तो आप बताएंगे स्त्रियां भी लेती थी बच्चों इसमें भाग। जिस प्रकार से हम लोग देखें बुद्ध धर्म में स्त्रियों का मतलब स्त्री नहीं थी, लेकिन जैन धर्म में फिर से स्त्रियां आने लगी थी, लेकिन स्त्रियां जो थी बच्चों भद्रबाहु की तरफ नहीं थी, है ना, वह जैन मुनियों में थी ही, लेकिन भद्रबाहु की तरफ ना होकर बच्चों वह दूसरी तरफ थी, जिधर श्वेतांबर लोग होते थे, स्थूल भद्र, इनके तरफ होती थी, है ना। यह सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती थी बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, आप लोग आगे लिखिएगा यह चीज़ें। युद्ध के कबीले को बच्चों, जो युद्ध का कबीला होता था उसका जो नेतृत्व राजा करता था, कौन करता था, राजा करता था, क्यों, राजा भी रत्नों में से ही एक था, 12 रत्नों में से एक राजा भी तो था, तो राजा जो होता था बच्चों युद्ध के कबीलों की रक्षा करता था, ये बातें याद रखेंगे, मतलब नेतृत्व करता था, रक्षा क्या, नेतृत्व करता था। युद्ध के लिए बच्चों गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, किस शब्द का बच्चों, गविष्टि शब्द का, गविष्टि याद रखना, युद्ध शब्द के लिए, युद्ध के लिए बच्चों गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, किस शब्द का, गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। आपसे पूछा जाएगा गविष्टि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो युद्ध के लिए किया गया बच्चों, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो गविष्ट है इसका अर्थ अगर आपसे पूछा जाएगा तो गविष्ट शब्द का अर्थ क्या है, तो बच्चों तो आप क्या बताओगे, बताओ, जिसका अर्थ होता है बच्चों गांव की खोज, गविष्ट का मतलब होता है गांव की खोज, गायों की खोज है बच्चा, गांवों की नहीं, गायों की खोज है कि गांवों की खोज है, बताइए बच्चों, गांवों की खोज है बच्चों, गायों की नहीं, गविष्ट का मतलब हो गया गांवों की खोज बच्चों, गांवों की खोज है, गायों नहीं, गाय का जिक्र हुआ इसमें, आगे हम बताते हैं आपको बच्चों। इसी में हमको एक आगे देखने को मिलता है दशराग युद्ध, कौन सी युद्ध, दशराग युद्ध, याद रखिएगा दशराग जो युद्ध था बच्चों इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वैदिक पीरियड में मिलता है, ना कि उत्तर वैदिक पीरियड में मिलता है, याद रखिए बच्चों, यह ऋग्वैदिक के सातवें मंडल में मिलता है, हम बताएंगे कितने मंडल हैं, सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन ऋग्वैदिक के सातवें मंडल में किसका उल्लेख है बच्चों, तो बता देंगे दशराग का उल्लेख है, दशराग युद्ध का उल्लेख है, या फिर इस तरह पूछतेगा दशराग युद्ध हमारे ऋग्वैदिक के किस मंडल में उल्लेख किया गया है, तो सातवें मंडल में किया गया है। इस युद्ध के साथियों परशुड़ी नदी के किनारे, परशुड़ी नदी को हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं, परशुड़ी नदी रावी का पुराना नाम है, प्राचीनतम नाम है बच्चों, तो उसी नदी के किनारे राजा सुदास और दस राजाओं के बीच लड़ा गया था, इसी वजह से दशराग कहते हैं बच्चों। इस दस राजाओं को हरा कर बच्चों राजा सुदास जो होते हैं विजयी होते हैं, इस बात को याद रखना, इस वजह से बहुत महानतम राजा होते हैं साथी। इसके बाद साथी आगे आ जाते हैं, ऋग्वैदिक जो समाज है साथी ये चार वर्गों में बटा हुआ था, ऋग्वैदिक जो समाज है बच्चों चार वर्गों में बटा हुआ था, जैसे आज है वर्ग जिसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मण
क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बच्चों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के में विभक्त था, चार वर्गों में विभक्त था। इसमें बच्चों व्यवसाय के आधार पर जाति का विखंडन होता था, न कि आपके धर्म या आपके जन्म के आधार पर, नहीं बच्चों, है ना, व्यवसाय के आधार पर। अगर आप घोड़ा चला रहे हो तो घुड़सवार के नाम से आपको जाना जाता था। अगर आप लोहार हो, लोहे के सामान कर रहे हो बच्चों, लोहे का कुछ काम कर रहे हो, तो लोहार के नाम से आपको जाना जाता था। अगर आप बनियागिरी कर रहे हो बच्चों, तो बनिया के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। अगर आप छत्री हो, तलवार लेकर लड़ाई कर रहे हो बच्चों, तो आपको छत्री के नाम से जाना जाता था। वो पंडित जो टीका लगा के बैठ जाते हैं, केवल मंत्र वंत्र फूकते हैं, भ्रूम भड़ाम भ्रूम, मतलब कुछ भी फूक देते हैं बच्चों, उनका ये काम ही होता है, तो वह पंडित के नाम से जाने जाते थे। और ये पंडित ही होते थे जो ये सब सारी चीज़ें तय करते थे बच्चों। पंडित में आगे अगर बात करें बच्चों, ऋग वैदिक में दसवें मंडल में पुरुषुक्त में चतुर्वर्णों का उपयोग किया गया है, और यही पंडित लोग इसको क्या कर दिए बच्चों, यह दस जो हमारा दस मंडल हैं, दसवां मंडल है बच्चों, इसी में जो पुरुषुक्त है ना, पुरुषुक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख किया गया, उसी को जोड़कर ब्राह्मण लोग, देखिए किस प्रकार की बातें करते हैं बच्चों। इसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण हैं वो परम पुरुष के मुख से पैदा हुए हैं, परम पुरुष के मुख से जन्म लेने वाले ब्राह्मण हैं, और क्षत्रिय जो हैं भुजाओं से जन्म लेने वाले हैं, और जो वैश्य हैं बच्चों वो जंघों से जन्म लेने वाले हैं, और जो शूद्र हैं बच्चों वो पैरों से जन्म लेने वाले हैं, पैर के तलवों से। यह बातें कही गई हैं, सारी बातों को लिखिएगा। हमने क्या बताया, चतुर्वर्णों का उल्लेख है बच्चों। पहला है आपका, आपको पता होना चाहिए बच्चों, मतलब कि एक तरह से ब्राह्मण जो है पुरुष के मुख से जन्म लिए हैं, उत्तम पुरुष के, और जो क्षत्रिय हैं बच्चों, क्षत्रिय जो हैं उसके भुजाओं से उन्होंने जन्म लिया है। वैश्य की बात कर लें बच्चों, तो वैश्य याद रखेंगे, वैश्य जो है बच्चों उनकी जंघों से जन्म लिए हैं, और शूद्र की बात करेंगे तो शूद्र जो है बच्चों उनके पैरों से जन्म लिए हुए हैं। इतना लिखने के बाद बच्चों आगे बढ़ेंगे, तो आगे आप लोग लिखेंगे कि जो आर्यों का समाज था वो पितृप्रधान था, मतलब पिता लोग, मतलब घर में जो पुरुष थे बच्चों वह सारी चीज़ों का डिसीजन करते थे, पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई बच्चों परिवार होती थी, जिसे कुल भी कहते थे आप, कुल या फिर परिवार, क्योंकि हमने देख लिया ना सबसे छोटा क्या था, कुल था बच्चों, इसके बाद आगे था सारी चीज़ें, कुल के बाद गाँव वगैरह था, है ना। तो उसी प्रकार से सबसे छोटी इकाई परिवार यानी कि कुल होता था, और जिसका मुखिया बच्चों पिता होता था। इस वजह से पितृसत्तात्मक, पितृप्रधान हमारा समाज था उस समय आर्यों का, जिसे कुलप कहा जाता था बच्चों। क्या कहा जाता था, कुलप, याद रखना कुलप। कुलप किसे कहते हैं याद रखना, कुलप का मतलब क्या होता है तो बता देंगे, पितृसत्तात्मक, यानी कि उस समय की समाज जो थी वह पितृसत्तात्मक था, यानी पुरुष प्रधान था बच्चों। स्त्रियाँ इस काल में बच्चों अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग भी लेती थी, जैसे आज देखते हैं शादी विवाह होता है तो बच्चे पत्नियों के साथ अपने उनके पति देव बैठते हैं, या फिर कोई पूजा पाठ होता है घर में, यज्ञ होता है, तो पति के साथ आप अपने माता पिता को भी देखते होंगे, मम्मी पापा को, तो वो लोग साथ बैठते हैं, भाभी हैं भैया हैं तो वो भी साथ बैठते होंगे। तो इस तरह से पिछले बहुत सालों से सारी चीज़ें चली आ रही हैं, बहुत दशकों से बच्चों। जब भी यज्ञ होता था तो जो पति होता था वो अपने पत्नी के साथ ही यज्ञ में बैठता था, यज्ञ कार्य में भाग लेता था। बाल विवाह एवं जो, तो दोस्तों जो पर्दा प्रथा था, इसे प्रचलन बिल्कुल नहीं था। आपको पता है बाल विवाह और जो पर्दा प्रथा है बच्चों, या और बच्चों जो हमारा सती प्रथा है, इन सब का जो खात्मा करने वाले राजा राम मोहन राय बच्चों, या हमारे जो विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर 1829 में इसका खात्मा करते हैं, यह बहुत बाद होता है, लेकिन उसके पहले, बहुत पहले बच्चों ये सारी चीज़ें थीं, बिल्कुल बंद था। लेकिन बाद में कहाँ से यह शुरू हो जाता है, ये सारी चीज़ें कुछ पता नहीं चलता बच्चों। बच्चों उसमें विधवा जो है ना, इतना अच्छा, आप सोचिए बच्चों, जो उस समय विधवा होती थी वो अपने मृतक पति के भाई के साथ, छोटे भाई के साथ विवाह कर सकती थी, उनको सती नहीं किया जाता था। लेकिन बाद में कहाँ से प्रचलन स्टार्ट होता है कुछ ज़्यादा पता नहीं है। बाद में इसका उद्धार करते हमारे राजा राम मोहन राय जी, इनके साथ मिलकर विलियम बेंटिंक, जो हमारे वायसराय होते हैं और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। बच्चों इसमें बात करें, स्त्रियां जो होती थी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी उस समय। देखो बाद में पता नहीं कौन सा काल आता है जिससे स्त्रियों से घृणा किया जाता है। इसमें स्त्रियां बहुत अच्छे नज़र से देखी जाती, इनका पोजीशन बहुत अच्छा था। ऋग्वेद में अगर कहा जाए दोस्तों, तो लोपा मुद्रा सोपा, सिकता, अपला, ये सब क्या थे बच्चों, ये सब विदुषी स्त्री थी। विदुषी स्त्री में वर्णन किया गया है, इसको आप लिख लेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। सोचो गार्गी नाम की, गार्गी ने याग वल्वय के बाद विवाद में चुनौती दी थी। गार्गी ने बच्चों यज्ञ वल्वय को विवाद की चुनौती दी थी कि भैया विवाद करिए आप हमसे। यज्ञ वल्वय एक लोग थे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा विवाद कर सकते थे, तो गार्गी खुद उनको विवाद करने होता ना, गांव समाज में बैठ जाओ, वाद विवाद होता रहता है राजनीतिक मुद्दे को लेकर, किसी चाय वाले ठेले के दुकान पर,
सेम इसी प्रकार से गार्गी ने उनसे बोला, सेम इसी प्रकार से बच्चों मतलब अच्छे ढंग से किसी मुद्दे को लेकर आप हमसे बात विवाद करो, जीत जाओ तो फिर बात बनेगी, नहीं तो यहाँ पर स्त्रियाँ खुद बहुत ही शिक्षित हैं, इससे यह पता चलता था। जीवन भर बच्चों अविवाहित रहने वाली जो महिला रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू, अमाजू कहा जाता था। जीवन भर जो अविवाहित स्त्रियां रहती थी उन्हें अमाजू के नाम से जाना जाता था, अमाजू कहा जाता था। दोस्तों जो जीविकोपार्जन के लिए जो वेद वेदांग पढ़ने वाले थे अध्यापक उन्हें उपाध्याय के नाम से जाने जाते थे। आज हम जानते हैं कि उपाध्याय जो होते बच्चों, हमारा एक मित्र है उपाध्याय, दो तीन मित्र हैं उपाध्याय बच्चों, कहा जाता है उपाध्याय का जो कॉलेज के बच्चों जो कुल है वो पढ़ाने के लिए ही पैदा होता है, जो पढ़ाता है उपाध्याय होता था। वेद वेदांग वो तब से चली आ रही है, आज उसकी स्थिति बदल चुकी है पूरी तरीके से। आपके गांव में खुद देखेंगे उपाध्याय होंगे तो कोई रेलवे में होगा, कोई घर का काम कर रहा होगा, कोई ऐसी तैसे सारी चीज़ें मतलब हर एक फील्ड में काम करते हैं, लेकिन पहले जो पढ़ाता था जो वेद वेदांग की शिक्षा देता था उसे उपाध्याय कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो दोस्तों क्या रहता था? सोमरस। सोमरस मतलब समझ रहे हैं भैया, लुंठित होने वाला पदार्थ, पीकर लुंठित हो जाओ बच्चों। यह वनस्पति से बनाया जाता था, जैसे आज आप लोग देखते हैं कि जो किशमिश होती है, किशमिश को मतलब जो मुनैको मुनैको करके आती है, मुनक्का बच्चों, मुनक्का, उसको बहुत सारे चीज़ें मतलब कि उसका कलेजी के बच्चों फर्मेंटेशन किया जाता है, उसके बाद हमारा सोमरस तैयार होता है, यानी कि जो शराब बनता है, बियर बनता है बच्चों, यह फर्मेंटेशन के कारण बनता है। फल का, किशमिश का, जो हमारे कलेजे सूखे फ्रूट्स होते हैं, बादाम, किशमिश, काजू, इन सब से बच्चों ये सब बनाए जाते हैं। वैसे तो अब जौ मक्का वाला भी बनता है, काफ़ी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए इस सारी चीज़ों को, अगर मतलब लत लग जाती है तो बहुत बेकार हो जाता है, किडनी फिडनी सब स्वभाव हो जाता है बच्चों। अब आगे देख लें, आर्य मुख्यतः तीन प्रकार के वस्त्र पहनते थे बच्चों, तीन प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कौन कौन से? एक वास होता था, एक अधिवास होता था, एक उषड़िस होता था बच्चों। तीनों लिख लीजिए, वास, अधिवास, उषड़िस। वास, अधिवास और बच्चों उषड़िस, क्या नाम था? उषड़िस, उषड़िस, उषड़िस। ये तीन प्रकार के वस्त्र होते थे हमारे आर्यों के, जो तीन प्रकार के वस्त्र का वो उपयोग करते थे बच्चों। मतलब उषड़िस का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे, उषड़िस का मतलब होता है बच्चों अंदर पहनने वाले कपड़े, अंदर जो पहनने वाले कपड़े होते थे उसे कहा जाता था बच्चों, है ना, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, नेकर कहते हैं, वही सारी चीज़ें बच्चों। महर्षि कड़ाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था, महर्षि कड़ाद इसी में उपस्थित हैं बच्चों। मनोरंजन के साधन के रूप में बच्चों जो हमारे ऋग्वैदिक पीरियड के जो लोग होते थे वो संगीत सुनते थे, रथ दौड़ का काम करते थे बच्चों, घुड़ दौड़ का काम करते थे बच्चों, ध्रुत क्रीड़ा करते थे, ध्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था बच्चों पशुपालन हुआ करता था, कृषि होता था, पशुपालन और कृषि होता था। गाय को बच्चों या अघन्या के नाम से यहाँ पुकारा जाता था। पूछा जाता है गाय को किस नाम से पुकारा जाता है? अघन्या। बच्चों गाय को मारने वाला, गाय को मारने वाले को, चोटिल करने वाले को बच्चों मृत्युदंड देता दिया जाता था। यहाँ पर गाय की पूजा होती थी, कोई मार क्या कोई परेशान भी नहीं कर सकता था, परेशान करने वाले, हत्या करने वाले, घायल करने वाले को एक तरह से मृत्युदंड दे दिया जाता था यहाँ पर बच्चों। हत्या करना तो दूर, मारना पीटना तो दूर बच्चों, हत्या मार भी दिए तब भी आपको जेल हो जाती थी, आपके लिए मृत्युदंड ही होता था, इसके सिवा कुछ और नहीं, बस मृत्युदंड। हमें लगता है यह आज भी लागू होना चाहिए। आर्यों के जो प्रिय पशु हुआ था होते थे बच्चों, प्रिय पशु वह घोड़ा हुआ करता था, सर्वाधिक प्रिय पशु इनका क्या था? घोड़ा था। और प्रिय देवता इनके इंद्र हुआ करते थे बच्चों। आर्यों द्वारा खोजा गया प्रथम धातु बच्चों लोहा था, याद रखेंगे, जिसे श्याम या फिर अयस के नाम से जाना जाता था, अयस। तांबे की लोहित, तांबे को जो है लोहित अयस कहा जाता था, लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार के लिए बच्चों दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पाड़ी कहा जाता था, पाड़ी कहते थे। जैसे कि आज आप यहाँ पे कुछ कार्य कर रहे हो तो आज आपकी ड्यूटी लग गई कहीं बाहर तो आप दूर चले गए, इसी प्रकार से लोग भी जाते थे बच्चों, दूर दूर जाते थे, उन्हें पाड़ी कहा जाता था। लेन देन की वस्तुओं को वस्तु विनिमय कहा जाता था बच्चों, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी। कोई गेहूँ लेकर आता था सोना चांदी खरीदने के लिए, काफ़ी बोरा बोरा, कोई सब्जी खरीदना होता था, किसी को बर्तन कुछ भी खरीदना रहता था बच्चों, वो एक्सचेंज करते थे, एक्सचेंज प्रणाली लागू थी उस समय। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को सूदखोर कहा जाता था बच्चों, आज भी आप उसी नाम से जानते हैं, सूदखोर का मतलब जो ब्याज खाता है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका जो निभाते थे बच्चों उन्हें देवता कहा जाता था। देवता के रूप में जो थे बच्चों उनको अग्नि की पूजा की जाती थी। जो मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता निभाते थे बच्चों उनको, उनका जो अग्नि के रूप में इसमें पूजा की जाती थी, मतलब अग्नि का भी इसमें पूजा पाठ किया जाता था। कहा जाता था कि अग्नि जो है मनुष्य और देवता के बीच की एक कड़ी है, इस वजह से इनकी भी पूजा की जाती थी। वैसे तो मेन रूप में देखा जाए तो यहाँ पर
हमारे इंद्र की पूजा होती थी। ऋग्वेद में साथ ही उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती नदी सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी मानी जाती थी। वैसे कहा जाए तो जो पवित्र नदियाँ थी, साथ ही पवित्र नदी में अगर देखा जाए तो बहुत सारी नदी थी। जैसे गंगा का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है, पूछा जाता है ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो मात्र एक बार हुआ है। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, सिंधु का उल्लेख बहुत बार हुआ है। साथ ही आपसे पूछ सकता है सरस्वती को सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में इसमें जाना जाता था। गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, यमुना का 3 बार हुआ है और सिंधु नदी का बहुत बार सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, है ना। अब हम कुछ नदियों के आपको पुराने नाम बताते हैं, मतलब प्राचीन नाम बताते हैं, उसको लिख लीजिए। आज ये आपका वैदिक पीरियड यानी कि ऋग वैदिक काल खत्म। कल हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक, थोड़ा सा बहुत छोटा है, 10-5 मिनट का बच्चों, उसको कल खत्म कर देंगे अन्ना वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। चलिए देख लीजिए, जो कुम्भ था बच्चों, कुम्भ्र नदी का प्राचीन नाम होता था बच्चों कुम्भ्र होता था आप लिख लीजिए कुम्भ्र। अगर कहा जाए बच्चों काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या होता था, काबुल नदी का प्राचीन नाम होता था बच्चों कुंभा होता था। इसका कुंभ्र है, इसका कुंभ्रा है बच्चों, कुंभा है। दोस्तों झेलम नदी का पुराना नाम क्या होता था, झेलम नदी का पुराना नाम याद रखेंगे, झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता नदी पर ही 361 ईसा पूर्व में साथी पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था, जिसमें कहा जाता है पोरस हार गए थे, लेकिन लगता नहीं हमें ऐसा, क्योंकि पोरस अगर हार जाते तो सिकंदर वापस क्यों जाता, आप खुद सोचो। झेलम नदी, झेलम के बाद साथी आ जाते हैं परसुड़ी यानी कि रावी नदी को परसुड़ी कहा जाता था, और रावी नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का पूरा भरमार हुआ था, वैदिक सभ्यता बसी हुई थी, है ना, ये बातें याद रखेंगे। आर्य रावी नदी के किनारे ही पूरे बसे थे बच्चों। इसके बाद बच्चों सतलज नदी को सतुद्री कहा जाता था, इस बात को भी लिखेंगे। इसके बाद बच्चों व्यास नदी को बिपाशा कहा जाता था, याद रखेंगे, लिख लेंगे इसको। इसके बाद बच्चों आ जाता है गंडक नदी, गंगा की सहायक नदी है, जो कि पटना में गंडक, यमुना और बच्चों गंगा नदी मिलती है, आपको पता होना चाहिए। ब्यास को बिपाशा, गंडक को क्या कहा जाता था बच्चों, गंडक को कहा जाता था सदा नीरा। वैसे तो हिमालय से जितनी नदियां बहती हैं सब सदा नीरा है बच्चों, हम आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हम आपके लिए 32 वीडियो बना के रखे हुए हैं, धड़ाधड़ लगाना स्टार्ट करेंगे मात्र 5 से 6 दिन बाद, बस आप लोग सहयोग करिए हमारा, आपको सफलता हम दिला के रहेंगे बच्चों। यह वीडियो आपको हर जगह काम आने वाली है, एक जगह नहीं, नाम से पेट है लेकिन हर जगह ये काम आएगी, आपको कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा बच्चों। आज तो लोग बस क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाते हैं कि बच्चे क्वेश्चन कर लें, यही क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन बच्चों अगर आपको थ्योरी मिलती भी है तो आपको पेट क्लास ज्वाइन करना पड़ता है, लेकिन हम आपको फ्री में दे रहे हैं, इसको ज्वाइन करिए आप बच्चों। धृष धती कहा जाता था घग्गर नदी को कहा जाता था बच्चों, इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद बच्चों गोमल नदी को किस नाम से जानते थे बच्चों, गोमती नदी का पुराना नाम क्या था गोमल था बच्चों। इसके बाद एक और नदी था बच्चों, जिसको हम लोग सुवस्तु के नाम से जानते थे। चलिए छोड़िए, इतनी आप याद रखेंगे, बहुत सारी नदियां हैं लेकिन आप इतना याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। और एक और थी बच्चों जो PCS के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन नाम उसका हमको थोड़ा भूल गया, है ना, तो बस याद रखेंगे, कल बता देंगे हम, कल उत्तर वैदिक पढ़ेंगे। इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संख्या बढ़ाइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हमें जितना मोटिवेट करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। और खैर अगर मोटिवेट करते हैं तो आपका भी फायदा होगा, साथ में आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी बच्चों। संख्या बढ़ाइए अपना, बस हमें कहते हैं। और ये क्लास डेली 9 बजे से लेकर 9:15 भी आता है, तो आएगा जरूर 9 से 9:30 बजने के बीच में, अगर कभी नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो तो। चलिए साथी विदा लेते हैं, खाना पीना खाते हैं, मस्त रहिए, धन्यवाद।